राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन मायावती की राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। एनडीए और इंडिया को अपना दमखम दिखाने के लिए चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में जाल बिछा रही मायावती ने अपनी ताकत दिखाने के लिए चार राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के रास्ते खोल दिए हैं, जिसे इंडिया और एनडीए को टेंशन हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद अहम है। इन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के जरिए वो लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्लान तैयार करेगी। यही वजह है कि अभी तक इंडिया और एनडीए से दूरी बनाकर चल रही बसपा राज्यों में गठबंधन के लिए द्वार खोलती हुई दिख रही है। इसी रणनीति के तहत उसने छत्तीसगढ़ में कोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया है। बसपा प्रमुख मायावती पिछले विधानसभा चुनाव से ही ये बात कह रही हैं कि वो पंजाब के अलावा किसी भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी, वो अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरेंगी। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में राजनीति बदलते हुए दिखाई दे रही है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती ने चार राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसीलिए सिर्फ पंजाब और हरियाणा गठबंधन की बात करने वाली मायावती हर जगह जीत के लिए गठबंधन करने को तैयार दिख रही हैं। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए कितने अहम है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि गठबंधन से इनकार कर ही बसपा अब छत्तीसगढ़ में जीजीपी के साथ गठबंधन कर रही है। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 3.87% वोट मिले थे और 2 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। वहीं जीजीपी को सिर्फ 1.73% वोट मिले थे और कोई सीट भी नहीं मिली थी। इस बार गठबंधन के साथ बसपा 57 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीजेपी 37 सीटों पर। इसके जरिए बसपा को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है। राजनीतिक दल को साथ लाने की तैयारी में जीजेपी के साथ छत्तीसगढ़ में मायावती को आदिवासी वोटरों का साथ मिल सकता है, क्योंकि जीजेपी का आदिवासी वोटरों पर एक अच्छा प्रभाव है जिसका फायदा मायावती उठाने की कोशिश कर रही हैं। इससे बसपा को एक नई सिरे से राजनीति शुरू करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी सवाल यही उठेगा कि अगर विधानसभा चुनाव में मायावती अपनी राजनीतिक जमीन वापस ला पाती हैं, तो क्या ये जमीन 2024 लोकसभा चुनाव में भी मायावती और बसपा के काम आएगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए न्यूज़ वन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।